हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन विद एच एम में। तो फ्रेंड्स, आज हम टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे जो आपको गणित के सवाल करने में बहुत आसानी देंगे। तो इस ट्रिक को मैंने बनाया है, तो आपको ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है, ना आपको यूट्यूब पे मिलेगी। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे और यदि ये ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको कैसी लगी ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे 12 × 13 हो गया, तो ये 12 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस 1 से। ठीक है ना, इस 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 है ना। बचा कितना, 3, 1 और 2 डिजिट से, जिसमें से 1 ले लिया। अब 3 की जगह हमारे को 0 लगाना है। अगर यहाँ 4 होता तो दो दो डिजिट लगते हैं, क्योंकि 2 छूट रहे थे, फिर ऐसे ही ठीक है ना। फिर प्लस करना है अपन को, फिर 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। बताओ कितना आएगा, 36। आगे कोई भी संख्या नहीं, इसलिए 0 नहीं लगाया हमने। जितनी संख्या होंगी उतनी 0 लगेंगी। अब इसको जोड़ देंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। ठीक है ना, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 1 से लेकर 100 तक के किसी भी संख्या को मल्टीप्लीकेशन पे लागू होती है ये ट्रिक। ठीक है ना, जैसे मैं ले लेता हूँ 21 × 37। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा, 6। कितना है आगे संख्या, 1 है, तो 1 0 लगा दिया भाई। ठीक है ना, अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। करो 7 × 7 = 14, जोड़ दो इनको, आंसर हो गया आपका। ये 21 × 37 का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा हार्ड लेते हैं एग्जांपल। जैसे तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन 37 × 42। 37 × 42 क्या करना है, वही स्टेप है, दो स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। 37 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 4 = 28, 4 × 3 = 12, 13 = 14, 0 कितने लगाना है, 1। फिर 37 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 × 2 = 7 = 14, 7। ठीक है ना, इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1554। यही इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया 37 × 42 का। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अपन अगले एग्जाम्पल से और समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 से समझते हैं। जैसे कोई से भी संख्या ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं 96 × 34। करो इसको मल्टीप्लाई, तो 96 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3 से। करो 6 × 3 = 18, 9 × 3 = 27 और 28। ठीक है, 0 कितने लगाना है, 1। ठीक है, 4, अब 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 4 = 24, 2 हासिल का, 9 × 4 = 36, 37 और 38, तो 384 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा, 4 6 2 3, ये लो आपका आंसर आ गया। 96 × 34 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 3264। एक और एग्जाम्पल से लेते हैं, इससे थोड़ा हार्ड लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं। है जैसे अपन ले लेते हैं 98 × 87। करो 98 को पहले मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8 × 8 = 64, हासिल का 6, 9 × 8 = 72, 72 और 6 = 78 है ना। 0 कितने लगाने हैं, 1 0 लगाना है। ठीक है, अब 98 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से, 7 × 8 = 56, हासिल का 5, 7 × 9 = 63, 63 और 5 = 68। ठीक है, प्लस करो इसको, क्या आएगा आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ट्रिक को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप जरूर लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू और मे गॉड ब्लेस यू।